भले ही सरकार गरीब परिवारों के लिए हर संभव मदद करने व योजनाओं का लाभ देने का दावा कर रही है, किंतु जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। सरकार की बड़ी बड़ी जन कल्याणकारी योजनाएं आज भी झाबुआ जिले में कागजों पर ही संचालित हो रही हैं। यहाँ गरीब परिवार आज भी गरीबी के बीच अपनी मेहनत का पसीना बहाकर दो वक्त की रोटी की जुगत में लगा है। दरअसल आदिवासी बाहुल झाबुआ जिले में अब भी कई गरीब परिवार ऐसे हैं जिन्हें सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है और ना ही स्थानीय स्तर पर उनकी कोई सुनवाई होती है। मजबूरन उन्हें अपनी गरीबी के साथ ही जीने पर मजबूर होना पड़ता है। कुछ इसी तरीके का मामला पेटलावर जनपद पंचायत की आदर्श ग्राम पंचायत सारंगी से सामने आया है, जहां एक युवक खुद बैल बनकर अपने खेत की जुताई में जुटा हुआ है। साथ ही उसकी पत्नी भी उसका बखर चलाने में मदद कर रही है, क्योंकि युवक बेहद गरीब है और उसके पास बैल खरीदने की भी हैसियत नहीं है। सारंगी निवासी महेश पिता गेंदालाल मालवी खुद अपने एक छोटे से जमीन के टुकड़े पर हल बखर चलाते हेतु बैल बनकर कार्य कर रहा है। उसकी पत्नी ममता भी उसका पूरा सहयोग कर रही है। महेश काफी गरीब परिवार से है, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे और महेश को झाबुआ में रहने वाले बलराम कसारा व उनकी पत्नी के द्वारा गोद ले लिया गया था, जिसके बाद महेश की परवरिश उन्हीं के द्वारा की गई। अब महेश को उनके द्वारा भी घर से निकाल दिया गया है। ऐसे में महेश व उसकी पत्नी ममता दोनों सारंगी से थोड़ी दूर पर स्थित अपने दादाजी की जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर एक घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर है। ना तो महेश के घर शौचालय है और ना ही रहने हेतु घर। झोपड़ी में रहकर महेश मजदूरी का कार्य करता है, जो 100-200 रुपए रोजाना काम करता है और अपने व अपनी पत्नी के पेट को पालता है। मजदूरी के साथ ही महेश व उसकी पत्नी मिलकर अपने जमीन के टुकड़े पर कुछ फल भी तैयार करते हैं, किंतु अब गरीबी की मार के चलते उन्हें फसल तैयार करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। युवक महेश खेती करने हेतु खुद बैल बनकर कार्य कर रहा है, क्योंकि इनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह बैल खरीद सके। फिर ट्रैक्टर से खेती की हकाई जुताई करवा ले। ऐसे में महेश व उसकी पत्नी ममता ने फैसला किया कि वह खुद अपनी मेहनत से फसल तैयार करेंगे। फिर महेश गरीबी के चलते खुद ही बैल बन गया और उसकी पत्नी उसकी मदद कर रही है। हमें इस बात की खबर लगी तो हमारी टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो हमने देखा कि खुद महेश बैल बनकर खेत में कार्य कर रहा है और उसकी पत्नी पीछे से उसका सहयोग कर रही है। हमने जब महेश व उसकी पत्नी ममता से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि हम काफ़ी गरीब हैं, मजदूरी कर अपने घर का जैसे तैसे भरण पोषण करते हैं। सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से हमें किसी भी योजना का लाभ आज तक नहीं मिला है। ममता नाम है। अच्छा, क्या कर रहे थे ये? ये खेती सही कर रहे थे, ढेपा है, ये ढेपे भांग रहे थे वक्कड़ से। अच्छा, तो दोनों पति पत्नी? हाँ दोनों, ये आगे से खींच रहे थे और मैं पीछे से धक्का दे रही थी, ये डिफा भाई से भांग रहे थे। अच्छा, तो तुम लोग खुद ही कर रहे हो, तो अपने घर पर बेल वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, बेल वेल कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुविधा नहीं है, ये हाथ से ही करते हैं हम खेती। अच्छा, ये घर भी कच्चा बना हुआ है, तो कैसे बनाया, क्या कुछ? नहीं भाई, छोटा सा झुंपड़ा ऐसा ही बनाया, हाथ से इस झुंपड़े में रहते हैं, कोई भी सुविधा नहीं है हमारे लिए। शौचालय वगैरह है? नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप लोगों ने पंचायत से या किसी प्रशासन से मांग की थी इसके लिए? हाँ, सबको बोला था लेकिन सबने मना बोल दिया इनके लिए। कैसे अपना घर परिवार चलाते हो? ये थोड़ी बहुत काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, मालिक का काम करते, थोड़ा बहुत पैसे लाते हैं, इनसे घर चलाते हैं। और क्या, सुबह रोटी बनाते हैं, शाम को खा लेते हैं, एक ही टाइम को रोटी बनाते हैं। हमें जिसके द्वारा गोद लिया गया था उनके द्वारा भी सारी योजनाओं का लाभ लिया जाता, किंतु हमें तो कुछ नहीं मिलता और ना ही हमारे पास रहने को छत और ना ही शौचालय है। हमने जैसे जैसे हमारे दादाजी की जमीन पर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार की है, जिसमें कि हम खाना बनाते हैं और रहने के साथ ही इस जमीन के टुकड़े पर हम छुटपुट खेती करते हैं, किंतु हमारे पास तो बैल भी नहीं है। ऐसे में हमें ही बैल बनकर कार्य करना पड़ रहा है।
क्या नाम है? महेश मालवी। अच्छा, क्या करते हो? ये अभी खेती सही कर रहे थे हम। किस तरह से कर रहे थे? मेरी बीबी पीछे से पकड़ती है और मैं हाल को खींचता हूँ। अच्छा, बेल वगैरह? बेल वगैरह कुछ भी नहीं। क्यों नहीं है? अभी स्थिति नहीं लाना, इससे खाने गुजारा नहीं होता तो बेल लेल कैसे लाएं, तो हाथ से करते हैं। अच्छा, अपना घर का गुजारा कैसे करते हो? ये मैं सुबह जाता हूँ हिम्मा लेकर के लाता हूँ और खाने पीने के लाता हूँ। अच्छा, तो घर वर भी आपका? घर वगैरह कुछ नहीं, हाथ से बांधा है घास फूस से, इसमें रहते हैं। अच्छा, शौचालय है घर पर? शौचालय वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, तो पंचायत या प्रशासन की ओर से कोई सुविधा मिली आपको? कुछ नहीं मिली, जाता भी हूँ तो मना बोलते, कोई नहीं करता ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, तो आपके घर में और कौन कौन है, माँ बाप वगैरह कैसे क्या? माँ बाप वगैरह है, वो जैसे हमको पाल पोस के बड़ा करा, वो माँ बाप है मेरे तो, वो उनके जो भी मिलता है रेटिंग बाद सब मिले वो उन्होंने लिख लिए, और राशन पानी मिलता है वो उनके लिख खाते हैं, भेज देते दारू पी के टोकरी दारू पीने के लिए। आपके मम्मी पापा? वो तो बचपन शांत हो गए, मैं छोटा था ना शांत हो गए, उन्होंने हमको खोर गोद रखा था। तो दिखवाता हूँ अभी मैं, हमारे नॉलेज में आया अभी तक तो कोई आवेदन वगैरह ग्राम पंचायत से कुछ नहीं आया। अगर इस प्रकार का कुछ होगा शासन की योजना से लाभ देने लायक होगा तो हम दिलाएंगे, या फिर शासन को ऊपर हम अवगत करा देंगे। उसके पास सर घर या शौचालय ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री आवास में उसके 2011 ACC सूची में नाम होगा तो उसे आवास मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आवास प्लस में भी नाम जोड़े गए हैं जो कि अभी शासन से निर्देश प्राप्त होगा, और पात्रता अनुसार अगर पात्रता में आ रहा तो उसे दिया जाएगा आवास भी। सर नाम? एनएस चौहान, CEO जनपद पिटलावा। हम यह कार्य मजबूरी में कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, किंतु गरीबी के चलते हमें मजबूरन इस काम को करना पड़ रहा है। हम मजबूरी एक समय का खाना बनाते हैं जो कि सुबह और शाम दोनों समय खाते हैं। प्रशासन और सरकार को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए, हम काफी गरीबी के बीच अपना भरण पोषण कर रहे हैं। गौरतलब है कि ग्राम पंचायत सारंगी आदर्श ग्राम पंचायत है, राष्ट्रपति से भी सारंगी पंचायत को अवार्ड मिल चुके हैं, किंतु इस पंचायत में इस गरीब परिवार की सुनवाई कोई नहीं कर रहा है। यह काफी गरीबी के बीच अपना जीवन यापन करने को मजबूर है।